हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आर्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आप सभी में से जो लोग नए स्टूडेंट जुड़ रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटे के बटन को क्लिक करते रहेंगे, जिससे आपके पास हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और डेली 8 PM पर आपको ये वीडियो मिलेगी। 8 PM पर लोग पूछते हैं कितने बजे क्लास होती है, तो 8 PM आप लोग याद रखेंगे। किसी कारणवश अगर कभी क्लास नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश की जाती है कि आपको अल्टरनेट डेज तो ये वीडियो मिलते रहें। तो आपका भी दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे की ओर, उन्नति की ओर ले जाना है। तो आप सभी का सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये संभव हो पाता है। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और साथ ही अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाने के लिए एक एक वीडियो चैनल पर जो दिए गए हैं उनको आप देखिए, अपने नोट्स आप तैयार करते हुए चलेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो जो आपने नोट्स बनाई होती है उसको रिविज़न करके बहुत ही कम समय में आप अपनी तैयारी कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको भी कमेंट सेक्शन में देना है। कला प्रश्नोत्तरी पार्ट 14 तक कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है सभी, तो आप लोग देख लिया करें। और आज हम देखेंगे कला प्रश्नोत्तरी पार्ट 14 के अंतर्गत 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, अगर आप आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक कराया जा चुका है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। कला की भाषा होती है शब्द, प्रतीक, प्रेरणा, कोई नहीं। कला की भाषा क्या होती है? शब्द, प्रतीक, प्रेरणा, कोई नहीं। आंसर सभी लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। कला की भाषा क्या होती है? तो कला की जो भाषा होती है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, षडंग का संबंध किस कला से है? भारतीय कला, भारतीय चित्रकला और षडंग, ठीक है, और जितने भी आपके कला के तत्व हैं इन सभी का वीडियो बहुत ही पहले चैनल पर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पर विजिट करके सभी वीडियो को देख लीजिए और अपने नोट्स वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो षडंग का संबंध किस कला से है? ऑप्शन देखेंगे, संगीत कला, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। उम्मीद है आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया होगा। तो षडंग का जो संबंध होता है यहाँ पर, यह आपके चित्रकला से होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, रत्नशिल्प, चित्रकला। षडंग का संबंध किस, षडंग का जो सिद्धांत है ये किस ग्रंथ से है? तो षडंग का सिद्धांत किस ग्रंथ से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, षडंग का पहला अंग कौन सा होता है? वर्णिका भंग, रूप भेद, लावण्य भाव। इसके लिए एक श्लोक आप सभी को पहले ही मैंने बताया है चैनल पे। तो षडंग का पहला अंग कौन सा होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। षडंग का पहला अंग कौन सा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णिका भंग। इसके लिए एक श्लोक याद रखिए, तो श्लोक है, ध्यान से सुनेंगे, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावणी योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगा इति चित्र षडंगकम। ये श्लोक अगर आप लोगों को याद रहेगा तो एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा ही बनेगा और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं? सोमेश्वर द्वारा रचित ये ग्रंथ है आपका मानसोल्लास, और इसमें कितने प्रकार के रूप बताए गए हैं? 3, 4, 5, 6। तो इससे आपके दो प्रश्न क्लियर होते हैं। सोमेश्वर द्वारा रचित ये ग्रंथ है मानसोल्लास, याद रखिएगा सोमेश्वर का है, और सोमेश्वर ने इसमें कितने प्रकार के रूप बताए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के रूप बताया है सोमेश्वर ने अपने इस ग्रंथ में मानसोल्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, षडंग का लेखक कौन है? षडंग का लेखक कौन है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर, कुमार स्वामी। लाइव सेशन संभव नहीं हो पाता इसलिए आपको ये 8
पीएम पर ये वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी जो कि प्रीमियर रहेगी, जिसमें आप लाइव की तरह ही आंसर कर सकते हैं। तो षडंग का लेखक कौन रहेगा? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर कुमार स्वामी। एक क्वेश्चन आपके जरूर भारतीय चित्रकला से पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न उसी चैप्टर के हैं। तो षडंग का लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंडित यशोधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ, वात्स्यायन, नंदलाल, गगनेन्द्रनाथ। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताया करें, इससे आपको भी कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। तो भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ के द्वारा लिखी गई भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय चित्र षडंग के सूत्राधार कौन है? ऑप्शन देखिएगा वेदव्यास, पंडित यशोधर, भरत, बाणभट्ट। भारतीय चित्र षडंग के सूत्राधार कौन है? फेसबुक पेज आर्ट प्रिपरेशन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोस मिलती हैं। इसके साथ ही शिवानी आर्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भारतीय चित्र षडंग के सूत्राधार कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट आंसर होगा पंडित यशोधर। भारतीय चित्र षडंग के सूत्राधार कौन है? पंडित यशोधर, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट के ग्रंथ के लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? वात्स्यायन, क्रोचे, हीगेल, ग्रीस। आंसर क्या होगा? वात्स्यायन, क्रोचे, हीगेल, ग्रीस। किसके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट? पुस्तक और लेखक साथ में ग्रंथ जितने भी हैं सभी के लेखक बताए गए हैं, चैनल पे वीडियोस दिया गया है, वहाँ से आप देख लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो सब याद हो जाएगा। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीगेल। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? हीगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 35, चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 10, 9, 7, 5। चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 10, 9, 7, 5। चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अध्यायों में विभक्त है चित्र सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। चित्र सूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ईवी हेवन, आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश, ऑप्शन डी है नंदलाल बोस। तो चित्र सूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ईवी हेवन, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिश, नंदलाल। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेला क्रैमरिश, स्टेला क्रैमरिश। तो चित्र सूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो ऑप्शन आपके इधर दिए गए हैं, तो डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चित्र सूत्र का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? जयदेव, मार्कंडे मुनि, भरत मुनि, चाणक्य। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? जयदेव, मार्कंडेय मुनि, चाणक्य। आंसर देंगे सभी लोग, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? सभी लोगों को आंसर करना है। राइट आंसर यहां पर जिन्होंने बी आंसर दिया सभी का आंसर सही है, मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखा गया है? समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट है, समकालीन
कलाकारों की प्लेलिस्ट जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें सभी कलाकारों के विषय में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, साथ ही क्वेश्चन भी कराए गए हैं। क्वेश्चन देखिएगा 38, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल में लिखा गया? ऑप्शन है मुगल काल, चालुक्य काल, राजपूत काल, गुप्त काल। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये गुप्त काल में लिखा गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और किसके द्वारा लिखा गया है? अभी मैंने बताया मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, राइट आंसर डी हो जाएगा, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्र का उल्लेख है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्र सूत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। तो किस खंड में चित्र सूत्र का उल्लेख मिलता है? आंसर करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर जिन्होंने सी दिया है ऑप्शन सी सभी का सही है, तीसरे। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्र सूत्र का उल्लेख मिलता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अंग है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जय मंगला। लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न भी किया जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, हर एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अंग है? वीडियो को शेयर कर देंगे सभी लोग, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जय मंगला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अंग है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3, 4, 5, 6। तो चित्रसूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं, ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, चित्रसूत्र में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? 9, 6, 8, 5। चित्रसूत्र में कितने रंगों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है चित्रसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, चित्रसूत्र में केशों के प्रकार बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, 5, 3, 1। चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 प्रकार बताए गए हैं केशों के, चित्रसूत्र में केशों के 5 प्रकार बताए गए हैं, चित्रसूत्र में केशों के 5 प्रकार बताए गए हैं। और ये 5 प्रकार के केश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कुंतक केश, दक्षिणावर्त, तरंग, वारिधारा, जुटसर, ये 5 प्रकार के केश का उल्लेख हुआ है चित्रसूत्र में, ठीक है। और 5 प्रकार के नेत्र भी बताए गए हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, चपलाकृति यानी कि धनुषाकार, उत्पल पत्रभा नील कमल के समान, मतोत्सदरा मीन के समान, पदम पत्र निभा कमल पंखुड़ी के समान, समाकृति गोलाकार, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि चित्रसूत्र में कितने प्रकार के नेत्र बताए गए हैं, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के केशों का उल्लेख है, चित्रसूत्र में चित्रों के कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो नोट करिएगा, सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र, मिश्र चित्र, ये 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है चित्रसूत्र में, ठीक है। और 5 मूल रंगों का उल्लेख किया गया है, लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, चित्रसूत्र में 5 प्रकार के मूल रंगों का उल्लेख किया गया है, लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। इसके अलावा चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं चित्रसूत्र में, सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र, मिश्र चित्र। रसों की बात की जाए तो चित्रसूत्र में पूरे 9 रसों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद चित्रसूत्र में आपको 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख मिल जाता है, हंस, भद्र, रूचक, सशक्त, मालव्य। इसके बाद 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं, जो अभी मैंने बताया, चपलाकृति, उत्पल पत्रभा, मतोत्सदरा, पद्म पत्र निभा, समाकृति। इसके बाद 5 प्रकार के केशों का उल्लेख मिलता है, कुंतक केश, दक्षिणावर्त, तरंग, वारिधारा, चुटसर। तो इस तरह से चित्रसूत्र जो कि इसके लेखक थे नारायण मुनि, है ना। चित्रसूत्र जो है ये 9 अध्यायों में विभक्त है, अध्याय 35 से 43 तक, ठीक है। चित्रसूत्र के अनुसार नारायण मुनि ने विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई, और जिससे विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया, और साथ ही नारायण मुनि ने
लोक मंगल के लिए चित्रसूत्र की रचना की। तो ये आप याद रखेंगे, चित्रसूत्र से पूछने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43 तक हो चुका है। चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 प्रकार के केश बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9, 6, 64, 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देंगे। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, चित्रसूत्र में कितने रस बताए गए हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 49। अभी मैंने ऊपर बता दिया है चित्रसूत्र में कितने रस बताए गए हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9 रस बताए गए हैं चित्रसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, चित्रलक्षण के रचयिता कौन है, अवनींद्रनाथ, श्री कुमार, नग्नजीत, कौटिल्य। चित्रलक्षण के रचयिता कौन है, आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, चित्रलक्षण के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नग्नजीत ने चित्रलक्षण की रचना की थी, राइट आंसर होगा सी। नग्नजीत को भयजीत के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, तिब्बत से 6वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ मिला, अर्थशास्त्र, गोदान, अग्निपुराण, चित्रलक्षण। तो 47 आज का आपका होमवर्क रहेगा और इस क्वेश्चन का सभी को आंसर देना है, तिब्बत से 6वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ मिला है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में मिलता है, 9, 16, 18, 3। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अध्यायों में विभक्त है आपका चित्रलक्षण ग्रंथ, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी जिन्होंने दिया सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है, सोमेश्वर भोज, ऑप्शन सी है आपका इधर, तो ऑप्शन सी है यहाँ पर, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन है, सोमेश्वर भोज, ऑप्शन ए है सोमेश्वर, ऑप्शन बी है भोज, सी है सूरदास, डी है सुमित्रानंदन पंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया अभिलाषितार्थ चिंतामणि, याद रखेंगे इसके लेखक हैं सोमेश्वर। अभिलाषितार्थ चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया, सोमेश्वर के द्वारा, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एक बार फिर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को क्लिक कर लेंगे। डेली 8 PM पे आपको ये वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप TGT PGT आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पर कोई भी शुल्क आपको पे नहीं करनी होती है। तो निःशुल्क क्लासेज जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे पेड क्लासेज लें, तो वो यहाँ पर बिल्कुल पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज का लास्ट का प्रश्न आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 50। कला यानी कि शिल्प के लिए 2 शब्दों का प्रयोग, चारू और कारू शब्द किस ग्रंथ में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कला यानी कि शिल्प के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चारू और कारू, तो ये शब्द किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है महाभारत, चित्रलक्षण, गीता, अष्टाध्यायी। चारू और कारू कला यानी शिल्प के लिए इनका प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में पाणिनि के द्वारा लिखी गई है ये अष्टाध्यायी, याद रखिएगा पाणिनि इसके लेखक हैं, और इसमें पाणिनि ने कला यानी शिल्प के लिए चारू और कारू शब्द का प्रयोग किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।